दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई काम से जा रहे हो, कोई अच्छे काम से आ रहे हो या आप कैसे भी जा रहे हो, तो अगर आपको कोई अर्थी या मुर्दा दिख जाए जाता हुआ तो वो शुभ होगा या अशुभ, या फिर सपने में कोई अर्थी दिख जाना या कोई मुर्दा दिख जाना या कोई अपने की मौत हो जाना ये शुभ होता है कि अशुभ, ये जानोगे आप इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई शुभ काम के लिए जा रहे हो और अगर आपके सामने से कोई अर्थी जा रही है या कोई आप मुर्दा देख लो, तो आपका जो काम से आप जा रहे हो वो काम आपका अवश्य सफल होगा। क्योंकि जब शिव भगवान की शादी हुई थी और शिव भगवान की जो बारात जा रही थी, उस टाइम एक मुर्दा निकल के गया था सामने से, यानी सामने से एक अर्थी गई थी और उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई काम से अगर आप जा रहे हो और आपके सामने से कोई अर्थी निकल गई या आप मुर्दा देख लो, तो आपका कार्य अवश्य 100% सही होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा जो कारण है, सपने की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी बात, अगर आप सपने में कोई मरे व्यक्ति को देख लोगे तो ये सोच लेना कि आज आपका कोई अच्छा काम होने वाला है, या फिर किसी व्यक्ति या फिर सपने में किसी व्यक्ति को या फिर सपने में किसी अपने व्यक्ति को मरा देख लो तो समझ लेना कि उसकी उम्र बढ़ गई है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।